अवधेश एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा आज का ऐसे टॉपिक है अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर अ क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट इंडिया। तो सबसे पहले हम अपना ब्रेन मैप एक क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है। हम अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, तो आप इसको अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज तक सीमित मत रखिएगा। आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन जनरल हर एक चीज़ के बारे में बात करनी है जो भी क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करती है। तो इसीलिए हम सबसे पहले ब्रेन मैप जब क्रिएट करेंगे तो हम ये पूछेंगे कि अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हमें क्यों चाहिए। हमारे कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज क्या हैं और उनमें क्या लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि वाई अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारे पास वो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं, दैट इज विच टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास है हाउ, दैट इज आप इन टेक्नोलॉजीज की एक फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे, दैट इज वो कितने फिजिबल हैं पर्टिकुलरली इंडिया के केस में, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया की ही बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपना एक ब्रेन मैप क्रिएट करना है और आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स एड्रेस करनी है, उनके सॉल्यूशंस देने हैं और उनको कैसे हम अचीव करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या क्या हो रहा है और हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है जो हम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं उसका। तो हमारे पास अगर आप इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो ये ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे फ्लड्स एंड ड्रॉट्स ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं और बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं, इनके बारे में आप बात कर सकते हैं। फ्लड्स चाहे उत्तराखंड की बात हो, केरला की बात हो, चेन्नई की बात हो, ये अभी रिसेंट टाइम में बहुत ही मेजर हमारे पास कैलामिटीज रही हैं, उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। ड्रॉट्स के बारे में जब आप बात करें तो आप यहाँ पे मराठवाड़ा की बात कर सकते हैं जहाँ पे काफ़ी दफ़े ड्रॉट्स देखे जाते हैं। ऐसे ही काफ़ी और जगहों पे ड्रॉट्स देखे जाते हैं और हमारे फार्मर्स को बहुत ही प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से, उनकी पूरी फसल बेकार हो जाती है और कई दफ़े हम ये देखते हैं कि फार्मर्स की सुसाइड भी होती है, जो बहुत ही एक मेजर हमारे पास एरिया है जिस पे हमें वर्क करना है। तो फार्मर सुसाइड और पर्टिकुलरली जब हम मराठवाड़ा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड होती है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। फिर हमारे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात कर सकते हैं। जनरली ये देखा गया है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा परसेंटेज हम रिलाई करते हैं ग्राउंड वाटर पे और हमारे मेजॉरिटी जो वेल्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं, जो हमारे पास ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है उसके बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। अब अगर आप ये क्लाइमेट चेंज के जो ये इफ़ेक्ट्स थे इनके अगर आप अब कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्री से हमारे पास वाटर पोल्यूशन प्लस एयर में CO2 इमिशंस इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा आते हैं। अबाउट 30% हमारे पास CO2 इमिशंस जो होते हैं वो इंडस्ट्री से आते हैं। तो आप ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप बात कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स हैं, बसेस, ट्रेन, प्राइवेट कार्स, इन सारी चीज़ों से भी काफ़ी पोल्यूशन होता है और अबाउट 20% हमारे पास CO2 इमिशन इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन के वे से होता है। देन हमारे पास एग्रीकल्चर भी एक मेजर प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर एज इन जो हमारे पास एग्रीकल्चरल मीडियम्स है, एग्रीकल्चरल वेज है, उनमें प्रॉब्लम है। हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही रिसोर्स एक्सटेंसिव हमारी फार्मिंग है और वो भी उतनी प्रोडक्टिव, उतनी एफिशिएंट नहीं है।
हम बिना सॉइल टाइप जांचे कहीं पे भी कोई भी क्रॉप अपने अकॉर्डिंग अगर पुट करते हैं तो वहाँ से हमें इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, वहाँ से यील्ड ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। एग्रीकल्चर में आप यहाँ पर क्रॉप बर्निंग की बात कर सकते हैं। क्रॉप बर्निंग एक मेजर रीज़न था दिल्ली में एक हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन का, जो कुछ सालों पहले तक भी देखी नहीं जाती थी, वो अभी रीसेंट टाइम में काफ़ी ही बढ़ गया है और उसका मेन कारण एक क्रॉप बर्निंग भी बोला जा रहा है। इसका मेन रीज़न हमारा एनर्जी भी है। इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली 70% जो एनर्जी पावर हम यूज़ करते हैं वो कोल और फॉसिल से आती है और ये फॉसिल्स हमारे पास लिमिटेड हैं। पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ, ये सारे रिसोर्सेज हमारे पास इनफाइनाइट नहीं हैं, तो इसीलिए हमें नीड है कि हम इनको चेक करें और एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी ढूंढें। इसके साथ आप यहाँ पे बात कर सकते हैं लैंड यूज़ की, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी दफ़े करप्शन की वजह से लैंड यूज़ प्रॉपर नहीं होता या काफ़ी दफ़े वो अनजुडिशियसली हम किसी को भी लैंड अलॉट कर देते हैं। एक फॉरेस्ट की लैंड हम किसी को इंडस्ट्री को दे देते हैं या फिर एग्रीकल्चरल लैंड हम किसी को दे देते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है क्लाइमेट चेंज के लिए एक काफ़ी मेजर रीज़न है हमारा लैंड यूज़ पैटर्न। इसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर सकते हैं कि क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, हमारा बहुत सारी एनर्जी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी फैल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनाते हैं या फिर हम ग्लास की बिल्डिंग्स बनाते हैं वो भी काफ़ी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि ग्लास की बिल्डिंग से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है और वो टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में और आता है कि जब भी आप कोई नई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे लाइटिंग है, उसके बाद आपकी जो हीटिंग एंड कूलिंग अप्लाइंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एड अप करते हैं हमारी CO2 एमिशंस में और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम का एरिया है जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स थे और ये कुछ उनके कॉजेज थे। इस वजह से ही हमें एक अल्टरनेट टेक्नोलॉजी चाहिए। अब हम डिफरेंट सेक्टर्स में अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी लेते हैं। अब एनर्जी में हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो मेजॉरिटी हम कोल पे डिपेंडेंट हैं, तो हमारे पास अल्टरनेट मेथड हो सकता है। हमारे पास सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, इन सब के बहुत ज़्यादा स्कोप है। कुछ एरियाज़ गुजरात, राजस्थान में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्कोप है विंड और सोलर फार्म्स का। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं दीव का, जो फर्स्ट ऐसा हमारा आइलैंड स्टेट हुआ था जो पूरी तरह से सोलर पावर्ड है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे जो गवर्नमेंट की अभी हमारे पास पॉलिसीज़ रही हैं, चाहे हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या फिर अभी इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी को एक अलग तरीके से अलग मिनिस्ट्री बना के उसको डील करने का आइडिया हो, आप उसके बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कैसे हम काफ़ी काम कर चुके हैं और काफ़ी हमें और करना बाकी है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे हम डेवलपिंग नेशन है, हमें इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बढ़ रहा है, उतने ही हमें पावर की और एनर्जी की रिक्वायरमेंट आगे चल के होने वाली है। बट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, कोल एंड फॉसिल्स इनको बहुत टाइम लगता है बनने में, इनको हम डिप्लीट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें चाहिए कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएं। जैसे हमारे पास 70% कोल के थ्रू हम यूज़ करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 20% हम ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज से करते हैं। हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को इंडिया में हम अलग से देखते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 10% पे लाई करती है, तो इसीलिए ये हमारा एनर्जी का ब्रेकअप है जिसको हम यहाँ से कम करके 70% से कम करके हम इसमें और इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
एक और अल्टरनेटिव है हमारे पास, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फिजन से हम काफ़ी एनर्जी बना सकते हैं जो काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इससे हमारे पास कार्बन एमिशन नहीं होता। इसमें हमें कम लैंड की ज़रूरत होती है, बट न्यूक्लियर को नेक्स्ट लेवल हमारी एनर्जी के लिए यूज़ करने के लिए हमें उसकी अच्छे से फीजिबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी को देखना है और उसके हमें इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं न्यूक्लियर फिजन को एक फीजिबल स्टेप बनाने के लिए, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो एनर्जी प्रोडक्शन में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एनर्जी के बाद हम बात करते हैं वाटर की। वाटर पोल्यूशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, और पोल्यूशन से ज़्यादा हमें ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है। काफ़ी जगह हमारे पास इसमें एक्यूट शॉर्टेज हो जाती है। इवन बड़े बड़े शहरों में, जैसे मुंबई में भी ये अक्सर देखा गया है कि एक दफ़े वहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं, वहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीजेज हो रही है, फिर वहाँ पे वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी शॉर्टेज भी फेस करते हैं। तो इस इशू को हमें एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके लिए आपके पास ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं कि आप जितने पाइपिंग के हमारे पास सोर्सेज हैं उनको हमें फिर से ठीक करना है, क्योंकि ये सिस्टम्स बहुत पुराने हुए हैं, वहाँ से काफ़ी लीकेज होता है जिसको हमें फिक्स करना है। तो हमारे पाइपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है उसको हमें अपडेट करना है, एक अवेयरनेस फैलानी है कि कैसे आप ड्रिंकिंग वाटर को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप डे ज़ीरो, जो साउथ अफ्रीका के केप टाउन में लोग फेस कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। अक्टूबर 2017 में केप टाउन के मेयर ने ये डिक्लेयर किया था कि मार्च 2018 के बाद केप टाउन में ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने ये लोगों से आग्रह किया था कि लोग जुडिशियसली यूज़ करें। उसके बाद लोगों ने देखा कि आज तक केप टाउन पिछले एक डेढ़ साल से उसको फाइट कर रहा है, और वो डे ज़ीरो, जो वो दिन था, उसको फाइट करके उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। आज 2019 में भी डे ज़ीरो केप टाउन में नहीं आया है, बट इससे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे जब वो अर्जेंसी क्रिएट की गई लोगों के बीच, तब लोगों ने वाटर को जुडिशियसली यूज़ करना शुरू किया और ऑलमोस्ट एक साल तक टाल दिया है अपना डे ज़ीरो। हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स हमें ज़रूरी हैं, हमारे पास ओशंस और रिवर्स की कोई कमी नहीं है, हमें वाटर का, पर्टिकुलरली ओशन वाटर, जो डीसैलिनेशन होता है, दैट इज़ क्योंकि ओशन और सी का वाटर सॉल्टी होता है, उसको डीसैलिनाइट करके नॉर्मल यूज़ के लिए उसको फिट बनाना, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, इसके लिए हमें रिसर्च एंड इनोवेशन में ध्यान देना है। ये हम इज़राइल से सीख सकते हैं, जिनके पास इस चीज़ की काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, और कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी वहाँ से इम्पोर्ट भी की है। तो आप इसके बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं, जो हमारी अल्टरनेट टेक्नोलॉजी हो सकती है वाटर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। अब एग्रीकल्चर में, हमारी फार्मिंग में मेन प्रॉब्लम है हमारी इनएफिशिएंसी। जो हमारे फार्मर्स हैं वो अनएजुकेटेड हैं, इसीलिए वो काफ़ी दफ़े गलत प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं, जिससे क्लाइमेट पे काफ़ी असर पड़ता है और सॉइल फर्टिलिटी भी कम होती है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे स्टेप्स हम बात कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन फार्मर्स के लिए, उसके बाद हम यहाँ पे लोन, इंश्योरेंस, इन सारी फैसिलिटीज़ का बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर के हमारे स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स, हेल्प लाइंस, इन सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं। आप सॉइल टेस्ट, सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या हमारे पास मेथड्स हो सकते हैं, उनके लिए आप बात कर सकते हैं।
हम कैसे एक रिसोर्स एक्सटेंसिव जो अभी हमारी फार्मिंग है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इस फील्ड को हम बोलते हैं एग्रो इकोलॉजी। एक यूएन की रिपोर्ट में ये फाइंड आउट किया गया था कि अफ्रीका में कई फार्मर्स अब इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जो एक नेचुरल इकोसिस्टम में एग्रीकल्चरल अपनी एटमॉस्फेयर क्रिएट करके करते हैं। दैट इज़ ये रिसोर्स इंटेंसिव नहीं होती, कम रिसोर्सेज यूज़ होते हैं और इससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव भी होती है। तो ये ऑर्गेनिक वे है काफ़ी। इससे ये पाया गया था यूएन की स्टडी में कि अफ्रीका के फार्मर्स ने अपनी प्रोडक्ट अपना प्रोड्यूस ऑलमोस्ट डबल कर लिया था सिर्फ 3 से 10 साल के इस एग्रो इकोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके। हम पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में क्रॉप बर्निंग के इश्यूज बहुत पाते हैं और जिसकी वजह से काफ़ी पॉल्यूशन होता है, जैसे हमने दिल्ली के पॉल्यूशन की बात की थी। तो इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा क्रॉप रोटेशन जो हमारे नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स करते हैं। एक सीजन में वो पैडी या राइस ग्रो करते हैं, फिर वो ठंड में वीट ग्रो करते हैं और जब एक सीज़न ख़त्म हो जाता है तो फिर वो अपने फार्म्स को बर्न कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए जो बायोमास फ्यूल प्लांट्स होते हैं उनकी जो उस वेस्ट को हम जलाने की जगह एक एनर्जी यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे पास ये प्लांट्स अभी इतने ज़्यादा नहीं है, तो ये हमारे पास एक अल्टरनेट नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास सॉल्यूशन हो सकता है जिससे कि फार्मर्स क्रॉप बर्न ना करें, जिससे पॉल्यूशन ना हो और इनफैक्ट उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं है इस चीज़ के लिए। तो इसमें ओवरऑल गवर्नमेंट की एक इंटेंशन, एक विल चाहिए, पॉलिटिकल विल, जिससे कि हम ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव्स, इसमें काफ़ी चीज़ें हम सब्सिडाइज कर सकते हैं और हम अपने फार्मर्स को एजुकेट कर सकते हैं कि वो प्रॉपर प्रैक्टिसेस यूज़ करें जिससे कि उनकी अपने प्रोड्यूस और अपनी इनकम भी बढ़े और क्लाइमेट पे कोई असर ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट में नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास अल्टरनेट टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक कार्स की, दैट इज़ बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक कार्स। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस ज़रूरी है। जैसे अभी हमारे पास पेट्रोल पंप्स होते हैं, हमें एलपीजी फ्यूल पंप्स होते हैं अभी, उसी तरह से हमें चार्जिंग स्टेशंस इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भी चाहिए जो अभी काफ़ी कम है। इसीलिए इलेक्ट्रिक कार्स की अभी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं हो रही है क्योंकि ये अभी उतने फीजिबल नहीं है। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर सकती है इनको ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करें। उसके बाद हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर सकते हैं, दैट इज़ हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर चीपर और मोर एक्सेसिबल बनाएं तो लोग अपने पर्सनल व्हीकल्स छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं जिससे क्लाइमेट पे काफ़ी असर हो सकता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे बात कर सकते हैं साइकिल्स की, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में डेवलप नेशंस में भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है अभी, बट हमारे यहाँ एलीट क्लास में ये चीज़ उतनी पॉपुलर नहीं है। हमने कुछ सालों पहले देखा था कि हॉलैंड के पीएम अपने रूलर से मिलने के लिए साइकिल में गए थे, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव था, एक अवेयरनेस फैलाने का ये अच्छा तरीका था कि जब एक सेलिब्रिटी या फिर एक लीडर जब खुद ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं जो क्लाइमेट चेंज पे अफेक्ट करेगा सीधे से, और वो लोगों को काफ़ी एजुकेट कर सकते हैं और लोगों को काफ़ी अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की। अब इंडस्ट्रीज़ को कुछ भी कराने के लिए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, उनके स्ट्रिक्ट लॉज ज़रूरी हैं, तो हमें चाहिए एनवायरमेंटल लॉज। उसके बाद सीवेज डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है उनको ट्रीट करना है।
जिससे कि हमारे पास एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम करप्शन के अगेंस्ट लॉ लाएं, जैसे हमने देखा पर्टिकुलरली लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं, करप्शन केसेस होते हैं, वो मेजॉरिटी क्लाइमेट चेंज के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं जब फॉरेस्ट कवर या फिर एग्रीकल्चरल लैंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए दे दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस एजुकेशन इन जनरल वो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में बताएं, कैसे वो छोटे छोटे जो घर में हम अपनी हैबिट्स को चेंज करके एक क्लाइमेट पे पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमें फोकस करना है रिसाइकल एंड रीयूज मैकेनिज्म पे। इन सारे पॉइंट्स के साथ आप अभी हम कोटेशंस कुछ डिस्कस करते हैं जो आप अपने एसे में लिख के अपने एसेज को और अच्छा बना सकते हैं। फर्स्ट है बाय महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा था, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैनज नीड्स बट नॉट एवरी मैनज ग्रीड। नेक्स्ट है, द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। नेक्स्ट है, वी आर यूजिंग रिसोर्सेज एज इफ वी हैड टू प्लैनेट नॉट वन, देयर कैन बी नो प्लान बी बिकॉज देयर इज नो प्लैनेट बी। ये था बाय बांकी मून। नेक्स्ट है, गुड एनवायरमेंटल पॉलिसी इज गुड इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट है, द फ्यूचर विल आइदर बी ग्रीन और नॉट एट ऑल। नेक्स्ट है, टू परमिट इररिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी इज टू सेल डिजास्टर। नेक्स्ट है, ओनली व्हेन द लास्ट ट्री हैज डाइड एंड द लास्ट रिवर हैज बीन पॉइजन्ड एंड द लास्ट फिश बीन कॉट विल वी रियलाइज वी कैन नॉट ईट मनी। तो इसी के साथ आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है और ये डिस्कशन ऑन ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज यहीं पे ख़त्म होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।